बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम सूजी से बनने वाली बहुत ही मज़ेदार सी बर्फ़ी बनाएंगे। बहुत ही क्विक और इंस्टेंट रेसिपी है। चंद ही मिनट में आप इसको बहुत ही इजीली और आसानी से बना सकते हैं। इसमें ना ज़्यादा आपकी कॉस्ट लगेगी और ना ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो को फुल वॉच करिएगा ताकि आपकी मेहनत और पैसे ज़ाया ना हो। अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आधा कप मेल्टेड देसी घी लिया है, इसमें पौना कप छानी हुई सूजी ऐड कर देंगे। अगर आपके पास देसी घी अवेलेबल नहीं है तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने सूजी की अच्छे से बुनाई कर लेनी है। कम से कम 3 से 4 मिनट सूजी की बुनाई करेंगे और अच्छी खुशबू आने तक, इसका लाइट गोल्डन सा कलर आने तक इसको भून लेंगे। अब इसमें मैंने इलायची के दानों को कूट के ऐड कर दिया। अगर आपके पास इलायची पाउडर अवेलेबल है तो वह इसमें ऐड कर सकते हैं। सूजी की बुनाई हो चुकी है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब इसमें 1.5 कप ऐड किया है दूध का। क्रीम मिल्क है, इसमें थोड़ी सी मलाई भी थी, उबला हुआ दूध था। मलाई समेत इसमें 1.5 कप दूध का ऐड कर दिया है। अब हमने इसको अच्छे से पका लेना है। इसकी कंसिस्टेंसी थिक होनी चाहिए। अब यहाँ पर हमने इसमें शुगर ऐड कर देनी है। जितनी सूजी ली थी हमने उतनी इसमें शुगर ऐड करेंगे। अगर आप मीठा कम खाना पसंद करते हैं तो अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें शुगर ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने इसमें शुगर ऐड की थी तो इसका थोड़ा सा पानी सा बनने लग गया है, तो इसको दोबारा से हमने थिक होने तक पका लेना है। यह जब तक ये अच्छी तरह से फोल्ड होने लग जाए तब तक इसको कुक कर लें। अगर आपके पास मिल्क पाउडर अवेलेबल है तो इसमें ज़रूर ऐड करें। मेरे पास अवेलेबल नहीं था, इससे बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आता है और जो बर्फ़ी है वो बहुत ही मज़ेदार बनती है। अब यहाँ पर मैं आप सबको याद दिला दूँ कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बर्फ़ी फोल्ड होने लगी, यहाँ पर फ्लेम को ऑफ़ कर लेंगे और किसी भी डिश में इसको ऐड कर देंगे। अगर आपके पास कोई प्लास्टिक वगैरह का बर्तन है तो हल्का सा ठंडा होने के बाद इसमें ऐड करिएगा। अब यहाँ पर सारी बर्फ़ी को मैंने डिश आउट कर लिया है। अब इसको अच्छी तरह से प्रेस करेंगे और इक्वल कर लेंगे ताकि हमारी जो बर्फ़ी है वो अच्छी तरह से जम जाए। अब यहाँ पर माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरह से सेट कर लिया है। अब अगर आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हैं इसके ऊपर स्प्रिंकल करें और इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख दें। ड्राई फ्रूट स्प्रिंकल करने के बाद इसको अच्छी तरह से टैप कर दें ताकि जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो अच्छी तरह से बर्फ़ी के साथ चिपक जाएं। लीजिए, बहुत ही मज़ेदार सी झटपट में बनने वाली, बहुत ही सस्ते में और कम बजट में हमारी बर्फ़ी रेडी हो चुकी है, जिसको बनाने में ना ज़्यादा टाइम लगता है। आप भी इस छोटी सी रेसिपी को लाजमी ट्राई करिएगा। तो यहाँ पर आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो व्यूअर्स फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं और मेरे चैनल पर न्यू हैं, काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों तक लाजमी शेयर करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। आप भी अपना ढेर सारा ख्याल रखें, ढेर सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।